तो कुछ आपराधिक तत्वों पे लगाम लगाने की एक कवायद है, जिसके तहत सभी CSPs को, थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई लगातार करी जाए। और अगले एक हफ्ते के लिए निर्देश दिया कि अगले एक हफ्ते जो भी निगरानी बदमाश है, गुंडा बदमाश है, उनको थाने में डेली हाजिरी के लिए बुलाया जाए अगले एक हफ्ते, और उनको क्राइम से बचने की, क्राइम नहीं करने की समझाइश दी जाए। उसके लिए अगले एक हफ्ते हम लोग अभियान चलाएंगे। उसके साथ ही आर्म्स एक्ट और NDPS पे, एक्साइज पे, इस पे कार्रवाई, आज भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है, और ये कार्रवाई भी हम लोग अगले 2-3 दिन अभियान के तौर पे करेंगे, बाकी सतत तो जारी रहता है। उसके अलावा फील्ड में भी शाम को, इवनिंग में पैदल गश्त करने का, और कुछ क्षेत्र जहाँ पे अड्डेबाजी की शिकायत आती है उस जगह पे बल को लेकर के जाके वो एरिया क्लियर रखने के लिए, उसके लिए निर्देशित किया गया है। और जो उसके अलावा जो अपराधी तत्व हैं जिनको हम लोग अगले हफ्ते बुलाने वाले हैं, उसमें जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इंगेज रहते हैं निगरानी बदमाश, जो चाकूबाज हैं, कुछ लिस्ट चाकूबाजों की बनी हुई है जो पहले चाकूबाजी में इंगेज रहे हैं, उन लोगों को भी बुलाने का है। जो नशीले पदार्थ में बेचने में पहले आरोपी रहे हैं या जिनका ऊपर संदेह रहता है, उनको भी ऐसे लोग को बुला के वार्निंग देने के लिए अगले हफ्ते हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे।